चलिए दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक और मजेदार वीडियो। और आज आपको हम बताएंगे कि परफेक्ट नेक लाइन कैसे दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिमर। वैसे बहुत से लोग क्या गड़बड़ करते हैं, नेक लाइन देते वक्त बहुत ही ऊपर से ट्रिम कर देते हैं जो देखने में महा बेकार लगता है। नेक लाइन मतलब क्या होता है, देखो जब भी आप स्ट्रेट खड़े हो ना इस तरह से, तो भाई जो नेक का जो बाल वगैरह बियर्ड रहते हैं राइट, वो दिखना नहीं चाहिए, बस यही हमारा काम है। और बहुत से लोग नेकलाइन देते वक्त इस एरिया को पूरा ऊपर बहुत ही ऊपर तक ट्रिम कर देते हैं, वो भी बेकार से लगते हैं, उतना परफेक्ट नहीं लगता। तो परफेक्टली आप अपने बियर्ड का नेकलाइन कैसे दे सकते हैं, हम बताने वाले हैं इस वीडियो पे। सो मेक श्योर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, हम हैं आपके अपने अभिषेक भैया, आप देख रहे हैं trimmerforman.in। तो नेकलाइन देने के लिए मैं भी यूज़ कर रहा हूँ वन ऑफ माय फेवरेट ट्रिमर, जो कि है फिलिप्स की तरफ से आने वाली फिलिप्स वन ब्लेड। अगर आप इस ट्रिमर को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं, इसका बेस्ट बाय लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहाँ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं हम नेकलाइनिंग। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो कहाँ तक हमें ट्रिम करना है। तो जब भी आप अपना उंगली लेके जाओगे ना, यहाँ पे देखो जहाँ पे आपका चेहरा खत्म होता है राइट, तो यहाँ पे ऑलरेडी उंगली जो है अटक से जाएंगे। आप नीचे से लेके जाओ, आप देखो यहाँ पे उंगली रुक से जाती है राइट, ये वाला एरिया पे। तो बस बिल्कुल यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन देना है कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ऐसे लेके जाओ, जहाँ तक ट्रिमर जाएगा बिल्कुल वहीं पे रोक देना है, आपको ऊपर तक लेके बिल्कुल भी नहीं जाना है ठीक है। अब देखो ऐसे, तो यहाँ पे रुक गया, मैं बस यहाँ पे रोक दूंगा इसको ठीक है। ठीक है, और इसके बाद सेम प्रोसेस को हमें इसके ऑपोजिट साइड में भी करना है इस तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल सामने से ताकि आपको समझ में भी आए। देखो ऐसे लेके जा रहा हूँ मैं राइट, यहाँ तक गया बस यहाँ पे रोक दो, इसके ऊपर लेके नहीं जाना है। डन। और जो यहाँ पे राइट एक हड्डी रहता है राइट गले का, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बहुत लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो यहाँ से बस दो उंगली लगाइए, बस यहाँ हड्डी जहाँ पे ख़त्म होता है ना गले वाला, यहाँ पे बस दो उंगली लगाना है आपको, और ठीक यहाँ तक ही आपको ट्रिम करना है। इसके ऊपर आप ज़्यादा ट्रिम मत कीजिएगा ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, हम देखो इधर का ट्रिम कर लिया है, इधर का ट्रिम कर लिया है, और सेंटर का लाइन मिल गया है। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको यहाँ से कर्व लाइन दे दो और परफेक्टली आपको लाइनिंग यहाँ पे मिल जाएगी। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बस इस तरह से आपको सेंटर वाले लाइन तक मिला देना है आपको ठीक है, आराम से। ऑलमोस्ट 90% काम हमारा जो है वो हो चुका है। अब जो नीचे का बाल है उसे हम चलो फटाफट ट्रिम कर लेते हैं। डेट्स ऑल, हमने नीचे लाइन भी अच्छी तरह से सब कुछ क्लीन कर लिया है। और यहाँ पे आखिरी स्टेप क्या होता है, बहुत से लोगों का जो बियर्ड होते हैं वो इस तरह से बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं राइट। तो यहाँ का जो खत वाला एरिया देख रहे हैं राइट, यहाँ से आपका बियर्ड बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए कुछ इस तरह से। मेरा तो फिलहाल ठीक ही है, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। ये जो है ना, आप यहाँ पे इसको हल्का सा लेके ऐसा ऐसे साइड साइड कर सकते हैं क्लीन। डन। सेम प्रोसेस हम इसके ऑपोजिट साइड में भी करेंगे। डेट्स ऑल गाइस, अब अगर आप चाहो तो इस फ्लिप्स वन ब्लेड के हेल्प से ऊपर के लाइन वगैरह भी वेरी इजीली क्लीन कर पाओगे। बट हमारा मेन मकसद था आपको दिखाना हाउ टू डू अ परफेक्ट नेक लाइन। एक बार अपने फेस को मैं वॉश करके आता हूँ, फिर आपको ओवरऑल अपनी फाइनल रिजल्ट शेयर करूंगा। ऑलराइट गाइस, अब आप देख सकते हैं मेरा नेकलाइन कितना परफेक्टली यहाँ पे आ चुका है, बिल्कुल बेहतरीन कर्व डिज़ाइन यहाँ पे आया है। और अगर मैं साइड से दिखाऊँ, देखो कितना परफेक्ट लुक आ रहा है हर तरफ से, चाहे इधर से दिखाओ, चाहे मैं अगर मैं इसे खड़ा होकर दिखा देता हूँ आप लोगों को, आप देखो कितना परफेक्ट लग रहा है, इवन फ्रॉम दिस डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं। तो ये होता है सही तरीका आपको नेकलाइनिंग देने के लिए। मैं तो फिलहाल यही तरीका यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी कम समय में बिना किसी प्रॉब्लम के नेकलाइन काफ़ी क्लीन हो जाते हैं। जाते जाते एक आपको प्रो टिप्स मैं शेयर करना चाहूँगा, जब भी आप नेकलाइन देते हो ना, कभी भी स्किन को ऐसा
उठा करके नेकलाइन मत देना या फिर स्किन को ऐसे खींच करके नेकलाइन मत देना। उससे क्या होता है ना, स्किन जब खींचोगे तो आपका बियर्ड भी नीचे खींचा जाता है, राइट। तो फिर जब छोड़ोगे तो फिर बियर्ड का शेप ऊपर नीचे हो जाएगा, तो परफेक्ट नेकलाइन नहीं मिलेगा। तो जब भी आप नेकलाइन देते हैं बस स्किन को खींचो मत, जैसा स्किन ऐसे रखो और आराम से जहाँ तक चाहिए उस तरह से आप ट्रिम कीजिए। इस तरह आपको काफी इजीली बेहतरीन नेक लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट गाइस, बस यही था आज के इस वीडियो में। आप इस फिलिप्स वन ब्लेड को बाय कर सकते हैं डायरेक्टली यहां पे क्लिक करके, और एल्स इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। हमारे लिंक से लेंगे तो थोड़ी सी हेल्प हमारे चैनल को भी हो जाएगी। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।